please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इधर बारिश से भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसे लेकर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी आमने सामने आ गए हैं। जल भराव की शिकायतों से परेशान महापौर आलोक शर्मा सेठिया कॉलेज सड़क के पास पानी के बीच कुर्सी लगाकर बैठ गए। आरोप है कि महापौर आलोक शर्मा ने सड़क को लेकर पहले भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन बारिश शुरू होने के पहले काम नहीं हुआ, जिससे नाला ओवरफ्लो हुआ और सड़क पर घुटनों तक पानी आ गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भोपाल की है, जहां पर महापौर अपने तरीके से इस पूरे मामले की विरोध इसलिए करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लगातार उन्होंने जो कोशिशें की इस तरह के हालात ना बनने देने को लेकर, वो नहीं हुई। और बारिश में भोपाल से जिस तरह से कई इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी आमने सामने है। जल भराव की शिकायतों से परेशान महापौर आलोक शर्मा सेठिया कॉलेज सड़क के पास पानी के बीच कुर्सी लगाकर ये तस्वीरें बैठने की है, उस वक्त की जब वो यहां पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बैठे थे। बारिश का दौर शुरू होते ही नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल जाती है और इस वक्त आप कुछ 7 नंबर रोड की सड़क का हाल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है इसमें लबालब पानी भरा हुआ है। और राजधानी भोपाल की स्मार्ट सिटी का ये हाल है, जिसे स्मार्ट बनाने की लगातार नगर निगम पहल कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है बीजेपी ऑफिस इससे कुछ कदमों की दूरी पर ही है। तमाम नेताओं का यहाँ पर आना जाना रहता है, लेकिन इस वक्त जो सड़क है वो लबालब पानी से भरी हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें निकलने में खासी दिक्कत हो रही है। लगातार जिस तरह से नगर निगम कह रहा है कि शहर को स्मार्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह से जो सड़कें हैं वहां पर पानी भरा रहेगा तो कैसे जो है भोपाल शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा? आखिर कैसे इस शहर की सड़कों की तस्वीर बदलेगी और कैसे जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी? कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। अगर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानी तो जल्द ही लोगों को शादी में हुए कुल खर्च का हिसाब किताब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वो परिवारों के लिए शादी में हुए खर्चों का लेखा जोखा देना अनिवार्य करने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि वर और वधु दोनों पक्षों को शादी से जुड़े खर्चों को अपने यहाँ के मैरिज ऑफिसर को लिखित रूप में बताना अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार को इस बारे में नियम कानून की जांच परख करके उसमें बदलाव करने पर भी विचार करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस कदम से दहेज के लेन देन पर भी लगाम लगेगी। साथ ही दहेज कानूनों के तहत जो मामले दर्ज होते हैं वो जो फर्जी शिकायतें हैं उनमें भी कमी आने की उम्मीद है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी के लिए तयशुदा खर्च में एक हिस्सा पत्नी के बैंक अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है ताकि भविष्य में वक्त पड़े, जरूरत आए तो इसका सही इस्तेमाल हो सके। कोर्ट ने कहा कि इसे अनिवार्य करने पर भी सरकार विचार कर सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बाबत एक नोटिस जारी कर इस मामले पर अपनी राय कोर्ट को बताने को भी कहा। दहेज पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सलाह शादी से जुड़े एक विवाद पर सुनवाई के दौरान दी। इस मामले में पीड़ित पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जबकि पति और उसके घर वालों ने पूरी तरह से दहेज लेने या ऐसी कोई मांग करने की बात से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि विवाह से जुड़े विवादों में दहेज मांगे जाने के आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहते हैं। ऐसे में इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसके जरिए सच झूठ का पता लगाने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। तो मुमकिन है कि अलग अलग विचार भी सामने आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर सलाह मानी केंद्र सरकार ने तो जल्द ही लोगों को शादी के खर्च का ब्यौरा भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये तमाम जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, ये एक अहम विवाद हो रहा था पति पत्नी का, जिसमें पत्नी ने परिवार पर पति के और उन पर दहेज का आरोप लगाया था। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है केंद्र सरकार को कि तमाम तरह की गाइडलाइंस के मद्देनज़र मैरिज ऑफिसर को लिखित रूप में बताया जाए कि आखिर दहेज पर या फिर शादी विवाह पर जो भी खर्चा हो रहा है उसका अनुमान क्या है। एहतिशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, ये जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है इस पर कितने दिनों में केंद्र सरकार को जवाब देना है और क्या कुछ प्रावधान इसमें बताए जा रहे हैं?
देखिए ये एक पूछा गया है, राय ली गई है केंद्र सरकार से और इसके लिए कोई वक्त नहीं दिया गया है, लेकिन आमतौर पर 4 हफ्तों में इस तरह के मामलों में जवाब देना होता है, जिसमें लगातार जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो शादीशुदा जोड़ों के बीच में जो विवाद हो जाते हैं और उसमें दहेज की भी बात आ जाती है, तो वो इतने ज़्यादा मामले आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या जो निचली अदालतें हैं उनको इसमें तय करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने कोर्ट से सलाह मांगी, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार से सलाह मांगी कि क्या इस तरह का कोई प्रावधान लाया जा सकता है जिसमें भी पता हो कि किस चीज़ में कितना खर्च हुआ है, ताकि बाद में अगर कोई विवाद आता है तो फिर उसका निपटारा ठीक से हो सके। तो ये विचार इस जानकारी के लिए आपका। मुंबई के पास कल्याण में एक बार फिर खराब सड़क के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कल्याण के हाजी मलंग रोड पर सड़क पर बने गड्ढे में पैर पड़ने से गिरा एक बुजुर्ग आदमी ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया, क्योंकि गड्ढों की वजह से वहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। अन्ना नाम का आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, उसी टाइम वो एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उसका जगह पे मौत हुआ है, उसका गुनाह दाखिल किया है, तपास चालू है। सर खट्टे की वजह से ये ट्रक के नीचे आया, ऐसा स्थानीय लोग अभी तो ऐसा बात करना और ऐसा रिजल्ट देना उचित नहीं है, उसका तपास चालू है। मुंबई में मानसून के दौरान मुंबईकरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले हुई तेज बारिश के जलजमाव ने मारा और अब सड़कों पर हुए गड्ढे मार रहे हैं। ये देखिए मेरे सामने तस्वीर है, बारिश हालांकि रुक चुकी है, कल से बारिश नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से तेज बारिश हुई उसके चलते सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। लोअर परेल का इलाका है, बीबीआईपी इलाकों में आता है और इसके बावजूद बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनकी नज़र इन गड्ढों पर नहीं पड़ रही है। और साथ ही साथ ये जो गड्ढे हैं उसके बगल में ज्वाइंट भी है और ज्वाइंट के ऊपर से जब गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो हिल रहा है और ऐसे में उसे टूटने का भी पूरा चांस है। तो ऐसे में अगर वो टूटता है तो गाड़ी सीधे अंदर जाएगी और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बावजूद इसके बीएमसी की जो अधिकारी हैं उनकी नज़र इस पर नहीं जा रही है, अभी सोए हुए हैं। और इस तरह के गड्ढे सिर्फ लोअर परेल में नहीं, आपके मुंबई में हर इलाके में मिल जाएंगे। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों में मुंबई और उससे सटे इलाकों में दुर्घटनाएं सामने आई हैं, गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हुई है। बावजूद इसके बीएमसी प्रशासन अभी तक जाग नहीं रहा है और इस तरह के जो गड्ढे हैं उस पे लोग चलने को मजबूर हैं।